1846 के वक्त में वेल का शिकार दुनिया भर में एक बड़ा उद्योग था। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पांचवा सबसे बड़ा सेक्टर था, जिससे आसानी से $1 करोड़ तक की कमाई हो जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद आकर सप्लाई कम होने लगी और कुछ लोगों को ये लगने लगा कि ये पूरा व्यापार शायद एक अच्छा ख्याल नहीं था। वेल के शिकार से जलवायु परिवर्तन कैसे बढ़ा और क्यों वैज्ञानिक वेल के मल में कमी आने से चिंता में हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या होता अगर हमने वेल का शिकार कभी शुरू ही ना किया होता। अगर वेल का शिकार कभी शुरू ही ना हुआ होता तो हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम होती और हमारी धरती इससे कहीं ज्यादा स्वस्थ होती। अगर हम वेल की आबादी इनका शिकार शुरू होने के पहले के दौर जितनी कर पाते हैं तो हम हर साल हमारे वातावरण से करीब 160,000 टन कार्बन कम कर पाने में सफल होंगे। लेकिन आखिर कोई एक प्रजाति पूरी धरती के लिए इतनी अहम कैसे हो सकती है? पीछे मुड़कर देखें तो ये समझना काफी आसान है कि क्यों वेल का शिकार लोगों के लिए एक अच्छा व्यापार हुआ करता था। वेल के मांस से कई लोगों को खाना मिल सकता था। उनके तेल का इस्तेमाल मशीनों में और कमरों को रोशन करने में किया जा सकता था। उनकी आंतों से इत्र बन सकता था और कार्टिलेज से कॉर्सेट और छातों जैसे चीजों में मजबूती लाई जा सकती थी। इस उद्योग में काफी मुनाफा था, तो आप समझ ही सकते हैं कि 1986 में इस पर बैन लगने से लोगों को कितना बड़ा झटका लगा होगा। कुछ नेताओं का तो यह भी कहना था कि वेल का शिकार इंसानों के लिए अच्छा था, क्योंकि जब छोटी मछलियों को खाने के लिए वेल नहीं होगी तो इंसानों को उन मछलियों का ज्यादा उपभोग करना होगा। लेकिन जैसे जैसे हमने वेलों को खत्म किया, छोटी मछलियों का मरना भी शुरू हो गया। असल में वेल सबसे बड़े शिकारी जानवर हैं, जिसका मतलब है कि ये खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में सबसे ऊपर आती हैं। जब आप फूड चेन के सबसे ऊपरी हिस्से को ही हटा देंगे तो इससे ट्रॉफिक कैस्केड नाम की स्थिति बनती है, यानी नीचे तक का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। वेल केवल छोटी मछलियों को खाती ही नहीं, बल्कि ये उन मछलियों की संख्या बढ़ाने में भी एक अहम किरदार निभाती हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इनका मल आयरन और नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्व देता है, जिससे पानी के अंदर पनपने वाले पौधों को खाद मिलती है और ये पौधे इन छोटी मछलियों का खाना बनते हैं। जब भी वेल समुद्र की गहराई से होकर ऊपर सतह तक आती हैं, तो ये इन पौधों को अपने साथ ऊपर ले आती हैं, जहां इन पौधों को सूरज की रोशनी मिलती है और ये अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं। हमारे पानी में जितनी संख्या में ऐसे पौधे होंगे, ये हम सब के लिए उतना ही बेहतर साबित होगा। न सिर्फ इन पौधों से कई समुद्री जीवों को खाना मिलता है, बल्कि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और मरने के बाद हजारों सालों के लिए उसे समुद्र की गहराई में ले जाते हैं। लेकिन कार्बन में कमी केवल वहां से ही नहीं आती, वेल सीधे तौर पर भी हमारे वातावरण को साफ रखने में योगदान देती हैं। ये अपने अंदर भारी मात्रा में कार्बन को स्टोर करती हैं और मरने पर ये सारा कार्बन समुद्र के सबसे निचले हिस्से में अपने साथ ले जाती हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये सारा कार्बन वातावरण में मिल जाता और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये साफ है कि ये बड़े जीव हमारी धरती के लिए कितने जरूरी हैं, और अगर हमने दशकों से इन्हें ना मारा होता तो आज तक में ये हमारे कितने काम आए होते। आज के दौर में कुछ देशों को छोड़कर हर जगह वेल के शिकार पर बैन है। जानकारों का कहना है कि इन कोशिशों के बावजूद भी वेल की ज्यादातर प्रजातियों की आबादी साल 2100 तक इनका शिकार शुरू होने के पहले की आबादी के आधे तक भी नहीं पहुंच पाएगी। शायद एक दिन हम वेलों के शिकार से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएं, लेकिन इस पर बात करेंगे क्या हो अगर के किसी और वीडियो में।